बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस और एडवोकेसी कैंपेन के बुनियादी प्रोजेक्ट कर रही है। रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के 10 बुनियादी थीम्स हैं, जिसमें फेडरलिज्म, सिविल सर्विसेज, गवर्नेंस, इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स और दूसरे थीम्स शामिल हैं। एजुकेशन रिफॉर्म्स भी रिपब्लिक पॉलिसी का एक प्राइमरी थीम्स है, और एजुकेशन रिफॉर्म्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स की एजुकेशन को लेके, स्किल्स को लेके रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट तरतीब दिया है। वो प्रोजेक्ट जो है यकम में 2024 को लॉन्च किया जाएगा। रिपब्लिक पॉलिसी की जो पूरी टीम है उसने बहुत मेहनत की है। आज हम उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे कि स्किल्स क्यों अहम है। डिग्रीज अपनी जगह अहम है, लेकिन स्किल्स सीखना भी बहुत ज़्यादा अहम है। हमारे प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद ये है कि द ऑर्गेनाइजेशन विल ट्राई टू कैच 5 मिलियन पीपल एंड कन्विंस देम टू हैव स्किल्स। आज हमारे साथ रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा और हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वो जो इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, वो साथ हैं। आज हम इस प्रोग्राम के बारे में उनसे बात करेंगे। जी चिन्ना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चिमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चिना चिमा एक जैसा ही लफ्ज़ है, तो आई वुड बी कॉलिंग द फर्स्ट नेम। तार मकसूद साहब, हमारी आप प्रेजिडेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के। इससे पहले भी आपने 5 बुनियादी प्रोजेक्ट्स किए हैं, वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स किए हैं, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स का, पुलिस रिफॉर्म्स का, फेडरलिज्म रिफॉर्म्स का, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का, बल्कि जो आपके सर्विस हैं जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के हैं उसको लेके आपने अच्छा एक शोर दिया है। तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक वॉलंटियर काम करती है अवेयरनेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बताया कि हम रजाकाराना तौर पर और वॉलंटियरली काम कर रहे हैं और ये अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, और मैं ये सब समझता हूँ कि ये खिदमत खलक है जो हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि शायद इस एक नेकी की वजह से हमारी आखरत संवर जाए। और अभी जो काम शुरू किया है, बड़ा एक मशहूर, आपको पता है कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अलकासिब हबीबुल्लाह, कि हुनरमंद जो है वो अल्लाह को ज़्यादा प्यारा है। तो ये हम एक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे कि जो इस वक्त रोज़गार कमाने के लिए उनको डिग्री से ज़्यादा किसी ना किसी हुनर की ज़रूरत है। तो ये एक अवेयरनेस है जो हम इंशाल्लाह इस आने वाला जो साल है उसमें 50 लाख लोगों तक ये हम इसको पहुँचाएँगे, और वो वक्तन फ़क्तन बताते रहेंगे कि क्या क्या तरीका का। जैसा बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। आपने पुलिस में बहुत ज़्यादा सर्व किया है, तो आप समझते हैं कि स्किल्स जो है, क्योंकि आपने एक सोसाइटी को जराइम के एंगल से भी देखा है, और जब आपने सोसाइटी के बारे में देखा है, तो आपका ये ख़ास एक पर्सपेक्टिव है कि अगर लोगों के पास स्किल्स होंगी, वो एजुकेशन की बजाय स्किल्स की बुनियाद पर उनको अगर जॉब मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, वो अपना कारोबार करेगा, तो क्राइम्स की जानिब या दूसरी चीज़ों की जानिब वो नहीं आएंगे। बिल्कुल, ये पुलिस की नौकरी तो यकीनन मैंने की। मैं आपको सिर्फ एक वाकया बयान करता हूँ कि एक शख्स को मैं जानता हूँ जो शायद कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बच्चों को पढ़ाता था। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो उनका वेटनरी हस्बेंड्री का वो था डिपार्टमेंट, वहाँ पे वो जाके बताता था कि जी भैंसों को दूध कैसे लेना है और नस्ल कैसे बनानी है। सो उसके पास ये एक हुनर था। तो ये यकीनन अगर पुलिस की बात करें तो वहाँ पे भी जिन लोगों के पास ज़्यादा अवेयरनेस थी, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज था, जिनके पास ज़्यादा हुनर था, वो ज़्यादा कामयाब रहे उसमें। जैसे वो जो हमारे ट्रैकर थे, खोजी जो हैं, अब वो जिन लोगों के साथ अलग था वो क्राइम को ज़्यादा अच्छी तरीके से। देयर आर सो मैनी स्किल्स, मीन्स के हमारी प्राइमरीली अगर हम देखें तो एक कहना नहीं चाहिए वैसे, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते, एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, तो एग्रीकल्चर की बहुत सी स्किल्स हैं, अच्छी फार्मिंग की स्किल्स हैं, लाइफ स्टॉक की स्किल्स हैं, अगर वो आती हों तो बहुत आसानी से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। हम जो अपना प्रोजेक्ट है उसके जो लीड हैं नवीद अख्तर चीमा साहब, आप उनसे बात करेंगे। सर, ये जो प्रोजेक्ट है स्किल्स मैटर मोर देन डिग्रीज, इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है और आप सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मौजू बहुत ही अच्छा है और इस कौम की तामीर और तरक्की के लिए इसका बहुत किरदार है। मैं बहुत मशहूर हूँ रिपब्लिक पॉलिसी के इस सब्जेक्ट को लेकर जैसे आप चले। अब इसमें कमिंग टूवर्ड्स द एक्चुअल क्वेश्चन जो आपने फरमाया,
रोल क्या है और उसको करना कैसे, और जो टारगेट ऑलरेडी आपने 50 लाख लोगों का पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, अब इस क्वेश्चन को कौन सी स्किल्स हैं, क्या लेकर चलनी है? हर शोबे में मैं यूं कहूंगा कि दुनिया का कोई भी शोबा ले लिया जाए, ये ग्लास है या फर्नीचर लकड़ी है या कैमरा है या लाइट्स है या पंखा है, वॉट एवर इट इज, कोई दुनिया का शोबा ऐसा नहीं है जो टेक्नोलॉजी से महरूम हो या टेक्नोलॉजी में बेस ना करता हो। अब जब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो उस टेक्नोलॉजी को अचीव करने के लिए हमें वो मैन पावर चाहिए जो उस हुनर से आरास्ता हो, उस हुनर की पूरी पीक तक जा सकते हों, उसकी हायरार्की यकीनन बनेगी, उसके जो तालीमी कोर्सेज हैं उनके लेवल्स यकीनन बनेंगे, लेकिन दुनिया का कोई शोबा ऐसा नहीं है, पत्थर से लेकर हर चीज़ तक आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर हम जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर अगर मिसाल दें तो चाइना ले लें, मलेशिया ले लें, कोरिया ले लें, जौन से मर्जी ममालिक को ले लें, जिन्होंने पाकिस्तान के बाद ग्रो किया तो उन्होंने डुअल स्ट्रीम में काम किया, जनरल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। जर्मनी की मिसाल इसकी बेस्ट मिसाल है जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है, डुअल स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। तो हमें इस मॉडल को अपनाना पड़ेगा। रह गया सवाल आपकी स्किल्स का, तो वो जौन सा शोभा आप इंडिकेट करते हैं उसकी डाउन द लाइन जितनी स्ट्रीम्स आप कहेंगे निकाली जा सकती हैं। एग्जैक्टली और फिर इसको आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं, आप इसको कैटेगराइज इस तरह कर सकते हैं कि लोग फंडामेंटल स्किल्स भी सीख सकते हैं, फिर थोड़ी बेहतर स्किल्स भी सीख सकते हैं, और जो स्पेशलाइज्ड सुपीरियर स्किल्स हम कह सकते हैं वो भी सीख सकते हैं। मींस दे कैन बी टेक्निकल एचआर भी बन सकता है, फिर स्पेशलाइज्ड एचआर भी बन सकता है, इवन अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे साइंटिस्ट की जानिब जा सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट है इस प्रोजेक्ट का वो अवेयरनेस है कि जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में, उनको ये बताना है कि आप कन्वेंशनल एजुकेशन हासिल करें या ना करें, लेकिन आपके पास हुनर ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है और हर एक के पास, चाहे वो मर्द है चाहे वो खातून है, उसके पास स्किल है, तो फिर हमारी सोसाइटी को भी बहुत फ़ायदा होगा, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो आप समझते नहीं हैं कि अगर हर बंदा स्किल सीखे तो इट विल लीड टुवर्ड्स अ रिवोल्यूशन, सॉफ्ट रिवोल्यूशन आएगा। जी, जो बात आपने फरमाई, मैं इसको सब्सटेंशिएट करूँगा कि एक इंटरनेशनल रिपोर्ट, जिस वक्त इस इदारे को एस्टेब्लिश करने का टाइम था, चूँकि मेरा ताल्लुक टेक्निकल एजुकेशन से रहा है जी, और इसको एस्टेब्लिश करने में आई एम द फर्स्ट मेंबर जिसने, टैबटा में आपने बड़ा काम किया है, यू आर द पायनियर ऑफ टैबटा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए उन रिपोर्ट से या उन सारी चीज़ों से या जो स्टैटिस्टिकल डाटा था उसको कंपाइल करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे थे। इंटरनेशनल रिपोर्ट का मैं जिक्र करूंगा, ये सामवे 1999 की रिपोर्ट है, इदारा इस वक्त मेरे जेहन में नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट किया कि ऑल द टाइम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है दैट रिमेन्स इन टू दी टेक्निकल एजुकेशन या किसी न किसी स्किल से इन्वॉल्व होती है। मीन्स के एचआर जो है वो 2/3 उसको होना स्किल्स, टेक्निकल एजुकेशन लाजमी है, इसके बगैर सोसाइटी ग्रो नहीं कर सकती और कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप चाइना की मिसाल देख लें, चाइना में बाय कॉन्स्टिट्यूशन उनका प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नॉन इंजीनियर नहीं हो सकता, नंबर वन। नंबर टू, वेरी इंटरेस्टिंग जी, नंबर टू, उनके घर आज से 30 साल या 40 साल पीछे चल रहे हैं, तो उस वक्त तरक्की नहीं की थी, इवन चाइनीज़ प्रोडक्ट जो थी वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट से इन्फीरियर समझी जाती थी 40 साल पहले। मैं 1980s की बात करूँगा कि हमारे यहाँ पे जो होलसेल मार्केट्स हैं लाइक ब्रांड थ्रोड है, लाइक मुख्तलिफ बाकी चीज़ें हैं, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट पाकिस्तानी प्रोडक्ट से सस्ती बिकती थी यहाँ पे। आज चाइनीज़ प्रोडक्ट इंटरनेशनली कम्पीट कर रही हैं। ऑटोमोबाइल की बात करें तो उसने ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ा नाम कमाने वाला जैपनीज ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उनको कम्पीट करके आज चाइनीज़ थोड़े वक्त में आगे बढ़ गई।
अच्छा जिमी साहब, आपसे क्वेश्चन है कि अगर आप डिमांड्स देखें पाकिस्तान में बिज़नेस की, जिसमें बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बल्कि पहिए की इंडस्ट्री, जिसमें मोटरसाइकिल भी आप शामिल करें, सवारी है जो कि जो हमारी ऑटोमोबाइल या पहिए की इंडस्ट्री है, इसमें स्किल्स सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें बहुत से जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं, स्मॉल बिजनेसेस भी क्रिएट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो सकता है, फिर सर्विसेज सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अगर इसके ऊपर अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि वी आर गोइंग टू नॉक द डोर के हैव अ स्किल, एवरी पर्सन शुड हैव एटलीस्ट वन स्किल, क्योंकि स्किल उनके लिए उतनी ही ज़रूरत है। मॉरल जो उनकी डेवलपमेंट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट देयर स्किल जो डेवलपमेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपके इसमें पार्टनर जो हैं वो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं, कुछ दूसरे आपके आपके साथ इन्वॉल्व दूसरी कुछ एनजीओज हैं, तो ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपके पार्टनर्स भी काफ़ी हैं, और कुछ आपने इदारे भी जो टेक्निकल और जो वोकेशनल एजुकेशन के वो अपने साथ लिए हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि विल यू बी एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट? जी, कोशिश हमारी होगी और इंशाल्लाह इससे इसके इसका असरात भी जाहिर होंगे। आप जरा देखिए ना जी, ये हुनर जो है कि अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर गाँव में बैठा एक जो बर्तन बनाने वाला है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, तो अगर वो जानता है तो उसके लिए कितना, एक वो बंदा जो कुछ नहीं जानता उससे वो बेहतर होगा। कटिंग का जो काम करते हैं लोग, अच्छा वैसे जो छोटी छोटी इन स्किल्स को अपडेट करने की भी ज़रूरत है, लेकिन हमारा एक सोशल टैबू भी है जिसकी आप अक्सर बात करते हैं कि यहाँ पे जो लोग लकड़ी के काम करते हैं या इवन जूता बनाते हैं या दूसरा काम करते हैं, तो सोसाइटी में उनको उस तरीके से इनक्रेज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोगों के यहाँ स्किल्स सीखने के बारे में भी एक सोशल टैबू है। तो इस सोशल टैबू को दूर करना कितना ज़रूरी है? दुरुस्त बात है, पैसा यही तो चीज़ें हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप इससे बाहर निकलें, कमाना है आपने खुद है और खाना आपने खुद है, और यही चीज़ें हम लोगों को बताने जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान से बहुत सारा रिवाज है अगर दूसरे मुल्कों में जाने का, तो ये जो इस तरह के जो स्किल्ड वर्कर हैं इनका ज़्यादा स्कोप है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताएंगे और मुझे यकीन है कि हम अपना टारगेट जो अचीव कर रहे हैं। अच्छा, ये भी फिर छीना साहब एक हिपोक्रेसी है कि पाकिस्तान में रहते हुए स्किल्स वो नहीं सीखते, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं वो सारी स्किल्स करते हैं। अब ये मुआशरती बुराई है, आप उसको डिस्कस करेंगे तो ये और टॉपिक चल निकलेगा। ठीक है, हमें ठीक है, हमने जो है उसके अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा नवीद अख्तर चीमा साहब, आप ज़रा बताइएगा कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये एक साल का है, और बुनियादी तौर पे इस पे इसके में आपको रिपब्लिक पॉलिसी जो थिंक टैंक है उसकी सपोर्ट भी हाजिर है, तो आपके जो प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है उसके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि जो आपकी पार्टनरशिप रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो पार्टनरशिप रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक से है वो अवेयरनेस को डिसेमिनेट करने में कितनी हेल्पफुल साबित होगी? इसकी सबसे पहले जो अभी अवान साहब आपने जो फरमाया कि सोशल टैबू को रिमूव करना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंस की हामिल बात है। अनटिल एंड अनलेस हम इस शोबे को लोगों के जहनों से उतारेंगे नहीं उतनी देर तक, आज भी हम छोटी गांव की सतह पर जाएं, कस्बे की सतह पर जाएं, तो लोगों के जहनों में वो उसी तरह से मौजूद है, ये तरखान कहा जाएगा, ये मिस्त्री कहा जाएगा, ये लोहार कहा जाएगा। yes. तो उनको उस चीज़ से बाहर लाना ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है कि हमने इस अवेयरनेस को, दो चीज़ों की अहमियत पे फोकस है, एक उनके उस माइंडसेट से बाहर लाना और दूसरे नंबर पे उनको ये आगाही देना कि आपकी फाइनेंशियल जो आपकी एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट है, आपका रोज़गार स्किल में मौजूद है, हुनर में मौजूद है, जनरल एजुकेशन में या उस स्ट्रीम में रहते हुए आपका शऊर बुलंद करने में यकीनन मुआवनत करेगी, लेकिन हुनर और रोज़गार कमाने में स्किल आपकी मौजूद है। जी मतलब अब वैसे भी हमारी जो सोसाइटी है, जो गांव है, वो एक टिपिंग पॉइंट पे आ गया है कि जो काश्तकार थे उनके बच्चों के पास भी अब वो ज़मीन नहीं रही, वो भी काश्तकार उस लिहाज से नहीं रहे जब तक वो काश्तकारी की स्किल्स नहीं सीखेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चरल स्किल्स हैं, लाइफ स्टॉक की स्किल्स हैं या दूसरी, ये जो हमारी दूसरी जो हमने हुनर किए। अब तो क्योंकि गाँव में या सोसाइटी इज़ ओपन, no one has the business, no one has the job, so when there is no job, there is no property, there is no land to cultivate, to naye sire se to har bande ko skills seekhna hogi, so then I think this taboo should not affect any person. bahut khoobsurat baat aapne awan sahab ki ki ye cheezon ka ek hame skill set banana padega,
हर सतह पर ये मॉडल हम अपने यहाँ पे हाँ, ये हमारे प्रोजेक्ट में है भी ये हम प्रोजेक्ट में इसका स्किल सेट बनाएंगे, जिसमें ये बात यकीनन बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने रेज किया कि वहाँ पे उनकी वो स्ट्रेंथ्स मौजूद नहीं रही जो कभी मौजूद थी, जिसके रोज़गार मिल जाते थे। आज उनको उन चीज़ों के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, लाइक अगर ऑटोमोबाइल में ट्रैक्टर वहाँ पे मौजूद है तो ट्रैक्टर की स्किल्स के साथ उनको ओरिएंटेशन देनी पड़ेगी। अगर ट्यूबवेल या टर्बाइन या पंप या उसका वो इंजन वाला मौजूद है, चाइनीज इंजन वाला, तो उसकी स्किल्स को उनके बेसिक स्किल्स को उनके साथ मुंसलिक करना पड़ेगा। वेटरनरी स्किल्स हैं, वेटरनरी स्किल्स को लाना पड़ेगा, लाइफ स्टॉक की स्किल्स को लाना पड़ेगा, इवन एग्रीकल्चरल जो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ ओरिएंटेशन देनी पड़ेगी। तो वो हमें एरिया वाइज उसका मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि स्किल्स को इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। जो अब हमारे काश्तकार हैं उन्हें काश्तकारी ज़ाहिर आती है, लेकिन वो एक रिडंडेंट किस्म का फॉर्म है। अगर उनके पास स्किल्स हों तो वो एफिशिएंट हो सकते हैं उसकी प्रोडक्शन को लिहाज से। अच्छा छिन्ना साहब, आपसे ये क्वेश्चन है कि ये आपका जो प्रोग्राम है इट विल टेक अ ईयर, ये एक साल का प्रोग्राम है और इसमें यू विल बी विजिटिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस। आपका प्रोग्राम है कि आप इसको अपने न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, अपने मैगजीन्स के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए और जो उसकी एक्सटेंशंस हैं मुख्तलिफ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, फिर इंगेजमेंट्स हैं उन, क्योंकि आपके बेसिकली आपका फोकस यह है कि जो जर्नलिस्ट एजुकेशन के इदारे हैं वहाँ पर जाके तलबा को बराह रास्त जो है एजुकेशन के साथ स्किल्स की अहमियत के बारे में बताया जाए और उन्हें बताया जाए कि सोशल टैबू भी इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट नहीं है और इदारे अवेलेबल हैं जो स्किल्स सिखा सकते हैं। तो ये बड़ा एक एम्बिशियस और एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, तो इसकी बजटिंग आप कैसे करेंगे? मींस के ये जो आपका प्रोग्राम है, द गवर्नमेंट माइट नॉट बी एबल टू डू इट एंड दे आर नॉट डूइंग इट एक्चुअली। एक तो ये है कि ये हमने जैसे पहले स्टार्ट बात की कि ये वॉलंटियरली है, बहुत सारे दोस्त जो हैं उसमें हमारे साथ कंट्रीब्यूट करेंगे, जो हमारा बजटिंग के लिए जो हमारा पैसे की ज़रूरत होगी वो हमारे साथ करेंगे, उस पर हमने रब्ता किया हुआ और इंशाल्लाह ये हम कर लेंगे। जो आपने पहले प्रोजेक्ट्स में मॉडल रखा है वही है कि जो आपके वॉलंटियर्स हैं या जो आपके मेंबर्स हैं वही उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हम अब अपना जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुबशर नदीम साहब भी हैं। जी मुबशर साहब, थोड़ा हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि बुनियादी तौर पर आप जो चीमा साहब की रहनुमाई में, क्योंकि आप टीम के बुनियादी मेंबर हैं, तो आर यू मोटिवेटेड टू डू दिस प्रोग्राम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पहले भी रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट किए हैं 5, जिसमें हमारा पॉलिटिकल सर्वे का था, फिर उसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का था, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का था, कैपेसिटी बिल्डिंग का था, फेडरलिज्म का था, इस तरह एक दो और जो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट 7 माह में आपने 5 प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये जो टारगेट है कि हमने 5 मिलियन जो स्टूडेंट हैं उनको अप्रोच करना टारगेट हमारा वो है, तो इंशाल्लाह हम ये कर लें। अच्छा, आर यू गोइंग टू, इज इट पंजाब स्पेसिफिक और आर यू गोइंग टू ऑल प्रोविंसेस इंक्लूडिंग जीपी एंड कश्मीर? ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी तालीमी अदारे हैं या हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको हम टारगेट करने जा रहे हैं। अच्छा, आप क्योंकि रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की जो वॉलंटियर टीम है उसको भी लीड करते हैं और आपके साथ 200 से ज़ायद, बल्कि आप मुझे कह रहे थे कि आप आपके वॉलंटियर्स बढ़ गए हैं शायद 1000 के अराउंड पूरे पाकिस्तान में पूरे, और कोई ज़िला ऐसा नहीं है जिसमें आपके 5 या 10 वॉलंटियर्स ना हो। और जो आपके वॉलंटियर्स हैं, बड़ी आपने मेहनत की है वॉलंटियर्स के ऊपर, जो आपके वॉलंटियर्स हैं वो सारे आगे प्रोफेशनल्स हैं, मीन्स दे आर नॉट, दे आर स्टूडेंट्स एंड देन देर आर प्रोफेशनल्स। तो फिर आपके लिए आसान होगा अपना डाटा कलेक्ट भी करना और मैसेज डिसेमिनेट भी करना। सो आई थिंक यू आर प्रिपेयर टू सेंड योर मैसेज अक्रॉस 140 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस जीपी एंड द आजाद कश्मीर। बिल्कुल, उसमें एक तो जो हमारे पूरे पाकिस्तान में 1000 के करीब वॉलंटियर्स हैं, उनसे पहले भी हमने जब हमने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का सर्वे किया था तो हमने उनसे ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट, डाटा कलेक्ट किया, वो जो हमारा डाटा था वो हमने यूनियन काउंसिल की सतह पर जाके कलेक्ट किया था। तो अभी भी उनको, फिर रिपब्लिक पॉलिसी का अपना एक यूट्यूब चैनल है, हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, फिर हमारी मैगजीन है, ई फॉर्म में भी है, प्रिंट फॉर्म में भी है, पेपर्स हैं आपके डेली हैं इंग्लिश उर्दू पेपर्स। इंशाल्लाह हम एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह फर्स्ट, मीन इसमें जो रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है
वो भी 20 से 25 लोगों पे मुश्तमिल है प्रोफेशनल्स, वो भी इस प्रोजेक्ट के लिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वॉलंटियर्स उनके साथ है। वो हमारे पार्टनर हैं। अच्छा, वो आपके पार्टनर हैं। इसके अलावा भी आपके बहुत से पार्टनर्स हैं, बहुत सारे पार्टनर हैं हमारे, और जो अदारे हैं चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो वो भी हमारे साथ इंशाल्लाह। जी मैं साहब, आप क्या स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि जो एफ ए कर रहे हैं, वेरी सिंपलिस्टिकली जो एफ ए कर रहे हैं, बी ए कर रहे हैं, एम ए कर रहे हैं, कि उनके लिए स्किल्स सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी तक ये शिकायत आती है जो जस्टिफाइड नहीं है कि मैंने एमफिल किया है, मैंने पीएचडी की है, मगर मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा। रोज़गार का ताल्लुक पीएचडी से नहीं है, उसका ताल्लुक स्किल से है। क्योंकि जो एक बिजनेसमैन है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में तब लेके आएगा इफ़ यू कैन ऐड ऑन द प्रोडक्टिविटी, और अगर आपके पास स्किल है। बहुत शुक्रिया, मैं इस सवाल को पहले एड्रेस कर चुका हूँ, मैं दोबारा उसको रिपीट करना चाहूँगा। जब हम जनरल एजुकेशन का सिस्टम लेकर बात करते हैं तो उसमें लोगों को शऊर बुलंद करने में, वो हिस्ट्री पढ़ता है, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, वॉट एवर, ये सारी सपोर्टिव चीज़ें हैं रोज़गार कमाने के लिए। अब रोज़गार के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो मैट्रिक हो या वो बिल्कुल अनपढ़ हो। मैं ये कहूँगा कि जो अनपढ़ बच्चा है, हमें स्कूल जो दरमियान में ड्रॉप आउट्स है बच्चे, हमें उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमें एबनिशो से लेकर चलना है कि जो बच्चे अभी तालीम का मैदान या सफ़र शुरू करने जा रहे हैं उनको हमें ये बताना है कि आपकी ज़रूरत रोज़गार है या आपकी ज़रूरत किसी और शोबे में है। जो किसी और शोबे में अगर किसी का कोई भी वो कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो वो शोबा वो अपने अंदाज़ लैंग्वेज भी एक स्किल है, वो भी एक स्किल है, लेकिन अगर वो रोज़गार कमाने के हवाले से देखना चाहता है तो हमें वहाँ की लोकल स्किल्स को डेवलप करना होगा, प्रमोट करना होगा। अब उसमें जो मैंने बात इब्तदाई तौर पे की थी वो मैं जर्मन मॉडल से इम्प्रेस्ड हूँ ज़ाती तौर पे, कि उन्होंने डुअल स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन रखा हुआ है, और उसी सिलसिले में यहाँ पाकिस्तान ये ज़्यादा पॉजिटिव है। आप निगेट नहीं कर सकते ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल एजुकेशन को भी, हम उसको निगेट नहीं करते। उसी के सिलसिले में जो सरकारी सतह पे एफर्ट मैंने की थी, ये जो इस वक्त चाइनीज़ यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है, मैं इसकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उस टाइम पे एक प्रोफेसर डायरेक्टिव भी लिया गया और उसकी जो कोशिश की गई, आज वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन बदकिस्मती से हम वो स्ट्रीम जो पिरामिड जिसने उसको एज ए फीडिंग इंस्टीट्यूशन काम करना था वो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे उसको। अच्छा नहीं जी, मतलब आपका प्रोजेक्ट तो एक सोसाइटी के मुतल्लिक है ना, इट इज़ एनजीओ, इट इज़ नॉट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हेन यू वर्क विद इन अ सोसाइटी तो प्राइमरली आपने शोर देना है, आपने एक डायलॉग करना है और लोगों को कन्विंस करना है। और ये बात बड़ी स्ट्राइकिंग है कि इफ दे डोंट हैव स्किल्स दे वोंट नॉट हैव जॉब्स, दे कैन नॉट सर्वाइव इवन। और ये उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए, ये अप्रोप्रिएट वर्ड है, अप्रोप्रिएट टर्म है, उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए सीखना है हुनर। कन्वेंशनल एजुकेशन वो जो मर्जी हासिल करें जहाँ तक मर्जी हासिल करें, लेकिन दे शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एजुकेशन, कन्वेंशनल एजुकेशन के मकासद क्या है और जो स्किल्स हैं उनके मकासद क्या है। हाँ, अगर आपकी कन्वेंशनल एजुकेशन भी स्किल आपको देती है और उस स्किल से यू कैन कंट्रीब्यूट इकोनॉमिकली टू योर पर्सनल लाइफ, इट्स गुड। अच्छा मुबशिर साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि आप कब प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं? ये जो हमारा प्रोजेक्ट है कि स्किल मैटर देन डिग्रीज, ये 1 मई 2024 से इंशाल्लाह हमारा ये पहला जो फेज़ होगा वो लॉन्च करेंगे, और 30 अप्रैल 2025 तक इंशाल्लाह रहेगा। इंशाल्लाह ये मुख्तलिफ फेजेस से होता हुआ, ये मुख्तलिफ फेजेस से, और प्राइमरली इट इज़ एन एडवोकेसी प्लान और इट इज़ अ मैसिव कैंपेन। ये बिल्कुल, ये जानना भी ऑडियंस के लिए, हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वर्कशॉप, सेमिनार्स और मुख्तलिफ जो कम्युनिकेशन के टूल्स हैं उनके ज़रिए हमने कुछ स्किल देनी नहीं है, सिर्फ उनको एक अवेयरनेस जो है देनी है, 5 मिलियन जो हमारा टारगेट है उसको। अच्छा चीमा साहब, आपसे क्वेश्चन है कि क्योंकि इसमें बहुत से लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उनके बारे में बताइएगा, जो लोग आपको वॉलंटरली ज्वाइन करना चाहते हों, वो मैसेजेस में हो सकते हों या दूसरे लिहाज से, ज़ाहिर एक प्रोजेक्ट है तो उसकी फिनेंशियल
इश्यूज भी होंगे, फिर उसके कैपेसिटी के इश्यूज भी होंगे बुनियादी तौर पे, क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट है, तो व्हाट यू विल बी रिक्वायरिंग द मोर इंटेलेक्ट फ्रॉम द पीपल, मोर पार्टिसिपेशन, तो उसमें आप हमारे नाजरीन को या वॉलंटियर्स को क्या कहेंगे? इसमें बहुत खूबसूरत एक कंक्लूजन जो जो मेरे सामने मौजूद है, मैं उसको पढ़ के मैं उसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से आऊँगा। काइंडली इधर इधर देख के पढ़िएगा जी। स्किल्स मैटर मोर देन डिग्रीज, इट इज़ नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट, इट्स अ मूवमेंट टू एम्पावर पाकिस्तान्स यूथ एंड एडल्ट्स विद द स्किल्स नेसेसरी टू थ्राइव इन टूडेज डायनामिक वर्ल्ड। बहुत खूबसूरत जुमला है। वी के नाउ व्हाट वी ऑल आर डूइंग, व्हाट वी ऑल आर गोइंग टू डू, वी कैन पेव द वे फॉर ए मोर प्रॉस्परस एंड सेल्फ रिलायंट सोसाइटी बाय फॉस्टरिंग ए कल्चर। सो वी हमारा ऑब्जेक्टिव जो है अभी मिस्टर साहब ने कहा बड़ा क्लियर है कि हमने उस कल्चर को फॉस्टर करना है और वे पेव करना है, वेरी क्लियर। दैट वैल्यूज प्रैक्टिकल एबिलिटीज, डेफिनेटली। Our only motto is to create awareness amongst people to learn skills if they want to succeed in the life. Exactly, यही बात जो अभी हमने की कि ये survival है उनकी, उस survival के लिए हमें जो करना होगा awareness के साथ, हमें उनको चूँकि intellectual project के हवाले से आपने बात की, तो हम उनको वो जो need based, area based skills होंगी उनका matrix हम बना कर देंगे। Exactly. वो मैट्रिक्स हम यहाँ हेडक्वार्टर में, यहाँ हमारी पूरा ज़ाहिर है थिंक टैंक भी आपके साथ इन्वॉल्व होगा, पूरा प्रोजेक्ट होगा, और वो फिर आप डिफरेंट मींस के बच्चे कुछ इब्तदाई एजुकेशन में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी डिग्रीज, देर आर इंजीनियर्स, देर आर डॉक्टर्स, देर आर साइंटिस्ट, तो जितने भी कैटेगराइजेशन है उसमें यू विल बी गाइडिंग दैम के विच एरिया ऑफ स्टडी, विच एरिया ऑफ स्किल स्टडी दे शुड अडॉप्ट। अब हम आखिर में मुबशर साहब से एक बात पूछेंगे। मुबशर साहब, आपके पास भी एक स्किल है, कुकिंग की स्किल, तो आप मुझे बता रहे थे कि कुकिंग के मुतलका भी इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं, क्योंकि बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान सोसाइटी, हर आदमी ने खाना है, तो जो खाने का कारोबार है, खाने के मुतलका स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ट्रेडिशनली वो स्किल्स जो हैं हमारी ख़वातीन के पास रही हैं, लेकिन नाउ बिजनेसेस आर ग्रोइंग, तो आप कह रहे हैं कि कुकिंग स्किल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, रोटी लगाने से लेके खाना तैयार करने तक, और फिर उसको अपडेट करने तक, और फिर वो बिज़नेस भी आपका बहुत ग्रो कर सकता है, ये जो होटल्स की स्किल्स हैं, स्वीट्स की स्किल्स हैं, कुकिंग स्किल्स हैं, इनके बारे में ज़रा बताइए। ये सारा एक पूरा डिपार्टमेंट है, ना सिर्फ कुकिंग स्किल, उसमें होटल मैनेजमेंट आ जाती, फिर रोटी खाने से लेके रोटी सिखाने तक, क्योंकि ये आपके अल्फाज मैंने कहे थे, पूरा एक डिपार्टमेंट है, तो मैं नो डाउट ये एक बहुत बड़ी स्किल है और ये हमें आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि स्किल जो है ना वो तालीम का लाजमी लाजम करा दे देना चाहिए कि आपको, क्योंकि आपने आप ही नहीं कहा था कि जो आपने एक स्टडी की थी कि उसमें लाहौर में बहुत से शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे उनको अच्छी रोटी लगाने वाले लोग मुयस्सर नहीं हैं, और इफ़ दे हैव स्किल्ड लेबर, जिनको अच्छी रोटी लगानी हो तो वो बड़ा अच्छा मुआवजा उनको मिल जाता है, उनके पास अच्छा खाना पकाने के लोग नहीं हैं, अच्छा बिरयानी बनाने वाले लोग नहीं हैं, फ़िश के, सो ये स्किल्स कभी हमने डिस्कशन नहीं की, लेकिन आप कहते हैं कि मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये परमानेंट स्किल्स हैं जो हमेशा रहेंगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बजा फरमाया आपने कि ये ऐसी स्किल है जो आप इससे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि हुनर ऐसी चीज़ है जो आपको, फिर इसमें भी सोशल टैबू है कि बीइंग अ मेल तो आप फिर कैसे स्किल सीखें, ये टैबू से हमें बाहर निकलना चाहिए, ये चीज़ें जो रवायती हमें चीज़ें हमारे पे थोपी गई हैं, हमें उस चीज़ से निकलना चाहिए, आगे सोचते हैं दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच गई है और हम इन्हीं चीज़ों में लेके बैठे हुए हैं, तो स्किल जो है मैं समझता हूँ कि स्किल जो है वो लाजमी। सो आर यू एक्साइटेड अबाउट योर प्रोजेक्ट, बिकॉज यू आर अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार भी हैं और दैनिक तौर पे भी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा ये प्रोजेक्ट होगा और हम अपने टारगेट को इंशाल्लाह अचीव करेंगे विद इन टाइम लाइन लिमिट। चलें, बहुत शुक्रिया मुबशर नदीम साहब आपका, चीमा साहब आपका। नाज़रीन, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, हम स्किल्स को लेके आपके साथ जो हमारी वीडियोस हैं, जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो हम शेयर करते रहेंगे। आप भी हमारा ये जो एक सोशल एक इंसेंटिव है सोसाइटी में स्किल्स की अहमियत को उजागर करने का प्रोग्राम, उसमें हमारा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।